दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कप गेहूं के आटे से इतनी अनोखी और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूं कि नाश्ते के भागदौड़ में तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत क्रंची बनकर रेडी होते हैं। बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर किसी को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को देखते ही बनाने के लिए दौड़ पड़ोगे, इतनी स्वादिष्ट ये रेसिपी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बेस्ट कुक विद आही में आपका स्वागत है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम दो बॉइल पोटैटो लेंगे, इसे ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ टी स्पून से वन टी स्पून जितना जो जिंजर होता है ना, उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें टू टेबल स्पून जितना कटा हुआ बारीक संभार डालेंगे, यानी धनिया पत्ता डालेंगे। दो से तीन हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छा बारीक चॉप करके हमें डालना है। हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे कि एक बहुत ही बढ़िया कलर आ सके। फिर इसमें डालेंगे वन टी स्पून धनिया पाउडर, जो गर्म मसाले वाला धनिया पाउडर होता है ना, वो वाला हमें इस्तेमाल करना है। अब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर फिर से आपको आप कहेंगे कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। इसमें डालेंगे वन टी स्पून ज़ीरा, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ सके। फिर डालेंगे पिज़्ज़ा की जो सीजनिंग होती है ना, पिज़्ज़ा के ऊपर जो हम सीजनिंग डालते हैं, तो वो वाला डालेंगे वन टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे हम व्हीट फ्लावर। तब हमें व्हीट फ्लावर कितना यूज़ करना है, इसमें जितना भी बैठ सके, यानी इसका डो अच्छी तरीके से सख्त बनाना है, एकदम हार्ड डो बनाना है, उतना हमें इसमें जो व्हीट फ्लावर मिक्स करना है। हम पहले एक कप भर के डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम डालेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, कि इसका जो डो है हमें एकदम हार्ड बनाना है, तो ही इसका एकदम क्रंच आ सकेगा। तो हम हाफ कप फिर से डालेंगे। टोटल इसमें हमें डेढ़ कप व्हीट फ्लावर लगा। इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। नीट करना तो बहुत ही आसान है, जैसे हम रोटियों का पूरियों का आटा नीट करते हैं ना, उसी तरीके से हमें नीट करना है। और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद में अच्छा इसका चिकना डो बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसे रखना नहीं है, बस जैसे डो बनाना है उसी तरीके से हम इसका जो ये क्रंची नाश्ता है बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम इस डो के दो भाग करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेयरी यानी मोटे वाला है इसका जो नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और जिस पर भी हमें इसे बेलना है उस पर इसे रख देंगे, और फिर बेलन से बेल लेंगे। बिल्कुल भी अगर आप अच्छी तरीके से इसका आटा नीट किया हुआ है और हार्ड आटा है, तो इसे बेलने के लिए आटा वगैरह डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे और इसे इस तरीके से कट निकाल लेंगे, ताकि इसके जो पीसेस है एकदम स्क्वायर अच्छे पीसेस निकल सके, एकदम शार्प पीसेस निकल सके। तो हम आजू बाजू के जितने भी कट हैं वो निकाल लेंगे, और इस तरीके से इसके स्क्वायर शेप के बना लेंगे। अगर आपको कोई और शेप पसंद हो तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अगर इसके जो शेप है थोड़ा छोटे छोटा बनाना है तो आप छोटा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बड़ा बड़ा स्क्वायर शेप का इसमें बनाएंगे, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन सके। अब यहाँ पर गैस हमने ऑन कर दिया था, इसमें एक पैन रख दिया था। इसमें आप पैन में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नाश्ता एक साथ में फ्राई होकर निकलेंगे, अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो इतना ज़्यादा नाश्ता फ्राई नहीं होगा। और इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल हमें इतना डालना है कि नाश्ता डिप हो सके। और जो इसकी फ्लेम है मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ना स्लो फ्लेम पर रखेंगे ना फुल फ्लेम पर रखेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे, और इस तरीके से पलट देंगे। जितना भी आपको गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए ना, उस हिसाब से हमें इसे फ्राई करना है। किसी को होता है ना थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन पसंद होता है, किसी को थोड़ा कम पसंद होता है, तो उस हिसाब से आपको गोल्डन ब्राउन करना है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनकर रेडी होता है, और आप इसे एक से दो महीने तक के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इतना गोल्डन हम होने देंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। इसमें आलू होते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद में अगर हम ऑयल में से निकाल भी लेना, तो अपने आप ये गोल्डन, मतलब कि इसमें कलर ज़्यादा आ जाता है। इस तरीके से सारे हम फ्राई कर लेंगे, और सारा नाश्ता हमने बनाकर रख दिया है। अब इस तरीके से हम जो अपना दूसरा बैच भी इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। बस बात एक यहाँ पे ख्याल रखने वाली ये है कि इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है, ताकि जो ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी और लेयरी बन जाए। तो इस तरीके से हम सारा नाश्ता एक प्लेट में सर्व कर देंगे। आप कोई भी प्लेट में इसे सर्व कर सकते हैं, फिर टमाटो सॉस हो या कोई और चटनी हो तो उसके साथ में हम इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, कितना क्रंची और टेस्टी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनने वाला नाश्ता रेडी है। जब भी सुबह की भागदौड़ हो ना, जब भी हमें नाश्ते के लिए टाइम ना हो, तो हम ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रंची बनता है। इसका आवाज़ सुनिए आप कि कितना ज़्यादा क्रंची बना है। तो आप इसे मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में जो बेल बटन आता है उस कॉल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइज। अल्लाह हाफिज़।